स्थल को दिखा रहा हूँ जो आज माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये उनकी धरोहर है। और ये देखिएगा, इसको मैं दिखा रहा हूँ, कैमरामैन नोट करूँगा कि ये दिखाएं, ये पूरा पत्थर इस तरीके से जर्जर हो चुका है, पूरी लाइन बन चुकी है, ये पूरा ये टूटने के करार पे, ये लाइन यहाँ से लेकर ये आप देख रहे हैं पूरा ये पत्थर, एक पत्थर है बहुत महंगा पत्थर है और ये आप इसे देख रहे हैं पूरी वहाँ तक दरार बन चुकी है और पत्थर जो वहाँ से यहाँ तक निकल चुका है और ये पूरी दरार को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टूट चुका है। और ये पत्थर बहुत मोटा पत्थर है, ये हिलने से भी नहीं हिल रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है, ये कैसे टूटा है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि इसका जो रख रखाव की जो जिम्मेदारी है, जो इसको रख रखाव करते हैं वो किन परिस्थितियों में इनका रख रखाव करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसका बहुत बुरा हाल हो रहा है, जिस समय सरकार थी उस समय इसकी देख रेख बहुत अच्छे ढंग से हो रही थी, लेकिन अब इसमें हजारियों की तादाद से ऊपर यहाँ कर्मचारी हैं, यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं और जो बागवानी करते हैं वो भी हैं। लेकिन अब मैं देखिए, ये फिर मैं दिखा रहा हूँ पत्थर, ये अब बैक साइड के अंदर ही देखिए पूरी दरार बन चुकी है, उस पत्थर की पूरी दरार बन चुकी है, वो गिरने के करार पे है। और ये आप देख रहे हैं ये पत्थर, एक इतना मोटा पत्थर, ये खिसकने का क्या कारण है, ये कहीं अपनी जगह छोड़ी है या किसी को इसने टच किया है, ये पूरी दरार यहाँ से लेकर वहाँ तक बन चुकी है, ये आप देख रहे हैं। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का पूरा ये पूरा बीच के अंदर एक स्लॉट आ गए हैं, पूरा एक किनारी बन चुकी है। ये मेन जो पीछे माननीय कांशीराम साहब का जो प्रेरणा स्थल है, इसकी जो बैक साइड है, ये आप देख रहे हैं कि पूरा पत्थर टूट के यहाँ गिरा है, गिरने पे जो नीचे वाला पत्थर है वो भी टूटने के करार पे, ये तो पूर्ण रूप से यहाँ से टूट चुका है, एक पत्थर नीचे गिरा हुआ है और ये यहाँ पूरी दरार बन चुकी है और ये पूरी दरार वहाँ तक बन चुकी है, पूरा यहाँ से देखें आप देख रहे हैं टूट चुका है और ये इस तरीके हिल रहा है पत्थर। और ये बहुत ही महंगा पत्थर है, लेकिन इसका रख रखाव कौन करेगा, सरकार है, मौजूदा सरकार है, इस पार्क से बहुत अच्छा राजस्व आता है और अगर इस राजस्व जो आता है, अगर इसका राजस्व इसी में लगाया जाए तो इसकी देख रेख अच्छे ढंग से हो सकती है, लेकिन क्या कारण है इसकी देख रेख नहीं की जा रही है। यहाँ से बीच में ये इसने पूरी दरार छोड़ दी गई है और ये पूरा टूट चुका है यहाँ से। ये कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, एक पत्थर करीब करीब 4.5 फीट का है और ये देखिए किस तरीके से ये टूटा है और ये या अपनी जगह छोड़ी है या किसी ने इसके साथ शरारत की है। मुझे लगता है इसके साथ शरारत है, क्योंकि टूटने का कारण ऐसा नहीं हो सकता है, जो ये पत्थर इस समय इस तरीके टूटा है और जो टूटे हुए पत्थर हैं उनको यहाँ रख दिया गया है। लेकिन आज जो प्रशासन को ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ यहाँ पर आज बहुजन समाज से संबंधित लोग यहाँ आएंगे, अपने महापुरुष को जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो इसका रख रखाव करते हैं, वो आप देख रहे हैं कि इनकी मन इच्छा कैसी है, मानसिक स्थिति इनकी कैसी है कि इनकी देख रेख नहीं की गई है। और बड़ी बात तो ये है कि जो पत्थर जहाँ से निकल गया या टूट गया, किसी ने शरारत की है, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई है। अगर यही स्मारक अगर किसी दूसरे समाज का होता या अलग किसी समाज का होता तो उस समाज के बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही होती और आज के दिन फूलों की माला से और फूलों से सजाया हुआ होता, लेकिन नहीं, यहाँ इतनी विडंबना वाली बात है कि आप ये देख रहे हैं कि जो मैं हाथ लगा लगा के बार बार ये दिखा रहा हूँ कि इतनी तगड़ी कालोच यहाँ इस तरीके से लगी हुई है, अगर एक बार यहाँ पे पोचा लगा दिया जाता, एक बार गीला कपड़ा यहाँ लगा दिया जाता तो ये बहुत सुंदर हो जाता, लेकिन नहीं,
कहीं न कहीं इनके दिल और दिमाग के अंदर इस तरीके की बात है कि मानवर कांशीराम साहब या बहन कुमारी मायावती जी या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दलित समाज से पैदा हुए, बहुजन समाज से पैदा हुए, तो इनका जो इन्होंने जो अपने काम किए थे इन कामों को देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं और सराहना करते हैं, बढ़िया अच्छी बात करते हैं कि भाई हमारे महापुरुषों ने इस तरीके से काम किया। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो जानबूझकर ऐसा लगता है कि यहाँ ये कालोश लगा दी गई है, ये मैं कालोश दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो कालोश इस तरीके से लगाई गई है कि ये कई भारत की कालोश है या यहाँ कोई चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है या किस तरीके से यहाँ इस तरीके का प्रोग्राम किया जाता है कि जो ये इतनी बड़ी गंभीर काले पत्थर दिखाई देने का, इतने कीमती पत्थर हैं ये। और आप मैं दिखा रहा हूँ कि दुनिया भर की यहाँ गंद और जो आज सफाई करनी चाहिए थी इन्होंने सफाई नहीं की गई है, जगह जगह डस्टबिन और जगह जगह पूरे इसका जो देख रहे हैं आप, मैं फर्श पर हाथ लगा के देख रहा हूँ तो इस पर आज के दिन इन्होंने कोई सफाई नहीं की है। जो कर्मचारी हैं लापरवाह हैं, सरकार लापरवाह है इस जो प्रेरणा स्थल है इसके प्रति, क्योंकि अगर इसकी साफ सफाई की होती तो आज ये प्रेरणा स्थल बहुत चमक रहा होता, अच्छा लग रहा होता कि महामानव मानवर कांशीराम साहब का 84वां जन्मदिन है। आइए और देखते हैं हम आगे और इसकी क्या हालत हो रही है। दिखाई दे रहा हूँ और जगह जगह से इन्होंने इनका वाइट वाट छूट गया है, जो पुताई थी वो छूट गई है और जगह जगह ऐसा लग रहा है कि चकते चकते से टूटने टूटने किसी इसमें लग रहा है। ये मैं आपको आंखों देखी प्रेरणा स्थल का नज़ारा दिखा रहा था कि इस प्रेरणा स्थल को जिस समय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, उस दौरान उन्होंने कुछ सोच समझकर इसका निर्माण कराया था। और निर्माण कराने के बाद में आप देख रहे हैं कि इसकी जो जो दशा है, किस तरीके से दशा है आज यहाँ महामानव मानवर कांशीराम साहब का 84वां जन्मदिन है। लेकिन यहाँ मैंने पूरी आपको पूरे इसकी प्रेरणा स्थल की हालत दिखाई, यहाँ सफाई व्यवस्था जो टूट फूट है ये, या इसको जानबूझ के पत्थरों को छेड़ा जा रहा है, इतने कीमती पत्थर हैं हाथ लगाने से हिलते नहीं हैं, लेकिन वो जगह जगह से वो पत्थर टूटे हैं। और मैंने अभी दिखाया कि ऊपर का जो हालत है, जो वाइट वाश है हुई है इसकी, उसको भी मैंने दिखाया कि इसमें किस तरीके से ये जो रख रखाव है, यहाँ कई हजार से ज़्यादा तादाद के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन सभी लोग अपनी लापरवाही को बरत रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर नोएडा। जय हिंद साथियों, आज हम हैं 12 रकाबगंज दिल्ली, यहाँ पर कांशीराम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में है के पी चौधरी जी, जो माननीय कांशीराम जी को पुष्प अर्पित करने आए हैं। साथ में खड़े हो जाइए सब लोग। जय हिंद, मान्यवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद।
टीटी करेंगे भाई। एक दो जगह और वो है आईसी।